के लक्षद्वीप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर मालदीव के मंत्रियों के विवादित बयान को लेकर हिंदुस्तान में मालदीव विरोधी अभियान शुरू हुआ, जिसके बाद मालदीव और वहां के राष्ट्रपति मुइज्जू बैकफुट पर आ गए हैं। सूत्रों से खबर मिल रही है कि भारत और मालदीव के बीच तनातनी के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भारत आना चाहते हैं। मालदीव की ओर से मुइज्जू की भारत यात्रा का प्रस्ताव रखा गया है। हम आपको बताना यह भी चाहते हैं कि मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू फिलहाल चीन के दौरे पर हैं, लेकिन मालदीव में ही उनका विरोध हो गया है। मालदीव के सांसद ने विदेश मंत्री पर सवाल खड़े किए हैं। विवाद के बीच संसद का सत्र बुलाने की मांग हुई है और इस विशेष सत्र में भारत विरोधी बयान को लेकर चर्चा की मांग की गई है। मालदीव के सांसद मिकेल ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर विवादित बयान वाले मंत्री को सम्मान देने की भी मांग की है। तो प्रणय उपाध्याय का मैं रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले हम आपको तो मोहम्मद मुइज्जू जो कि राष्ट्रपति हैं मालदीव के, वो इस समय चीन में मौजूद हैं। उनका यही कहना है कि चीन एक अच्छा दोस्त है और विकास का सबसे सच्चा साझेदार भी है। हालांकि किसी भी एक देश को अच्छा दोस्त कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि दूसरा देश दुश्मन हो जाता है। भारत का रशिया बहुत पुराना मित्र है, लेकिन भारत उसके साथ साथ अमेरिका के साथ भी अच्छे रिश्ते निभाता है, आगे बढ़ता है अच्छे रिश्तों में। तो फिलहाल जो मालदीव के राष्ट्रपति हैं मुइज्जू, वो चीन में मौजूद हैं। कुछ मंत्रियों के द्वारा टिप्पणी करने से भारत के ऊपर इन संबंधों में थोड़ी सी खटास जरूर आई है, लेकिन मालदीव पुराना मित्र है। उम्मीद यही है कि इन रिश्तों को दोबारा कायम कर लिया जाएगा। और बड़ी खबर इस समय की दे दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि ये देश की सरकार के लिए सोचने का वक्त है कि मालदीव ऐसे बयान क्यों दे रहा है। हिंदुस्तान हर वक्त मालदीव की मदद कर रहा है। मैं जानता हूं जब वहां पे वो शैतान आए थे जिनने कब्जा करने की कोशिश की थी, आप सबको याद होगा, तब कौन गया उनको बचाने के लिए? भारत की फौज गई और जो ही उनको उन बदमाशों को निकाल दिया, भारत की फौज वापस आ गई। यानी कि उन्होंने ज़मीन पर कब्जा किया, उन्होंने कहा हमने अपना काम कर लिया, अब वापस जा रहे हैं। आज जो ये कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है, मुझे ये समझ नहीं आती ये क्यों हो रही है, क्या वजह है? क्या इस वजह से है क्योंकि भारत में जो अब नफरतें पैदा हो रही हैं हिंदू और मुसलमानों में, क्या ये वजह हो सकती है? मैं नहीं जानता। Z News.